नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशन। एज यू नो कि रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द बैंक पीयू एंड एसएससी एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रेशियो का एप्लीकेशन जो है वो अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक में आता है, मेनली इन परसेंटेज, मेनली इन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हर जगह रेशियो का एप्लीकेशन है। इनफैक्ट इन ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, एवरीवेयर रेशियोज का एप्लीकेशन इज वेरी मच देयर। ओके, तो इस टॉपिक को हम करेंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ऑन रेशियोज। रेशियोज पूरे टॉपिक को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सारे टॉपिक हम लोग थ्री पार्ट्स में करेंगे। नाउ थ्री पार्ट्स में द फर्स्ट पार्ट इज ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल्स। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल्स, द सेकेंड इज द वेरिएशन एंड द एप्लीकेशन इन पार्टनरशिप्स। तो अगर ये क्लियर है तो इससे ये निकलेगा और ये क्लियर होगा तो ये इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्टनरशिप। राइट, नाउ समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो का मतलब क्या है। अ रेशियो इज अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वान्टिटीज बाई डिविजन। तो अगर रेशियो और प्रोपोर्शन को मैं हिंदी में समझूँ तो जो टॉपिक है हमारा वो है अनुपात और समानुपात। ओके, तो अनुपात और समानुपात। नाउ इफ यू से रेशियोज का मतलब क्या है, रेशियोज का मतलब है रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। इन अदर वर्ड्स, रेशियो मींस व्हाट पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज ऑफ अनदर, वन क्वांटिटी इज दैट ऑफ अनदर, यानी कि एक चीज दूसरे चीज का किस पार्ट, किस कितने हिस्से में है, एक उस कंसेप्ट को मतलब है रेशियो। रेशियो का जो साइन है कुछ ये है एंड रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, देयर इज नो यूनिट ऑफ रेशियो। ओके, नाउ अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, यानी कि रेशियो को अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करूं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहां पे दिया हुआ है, 2/3 को अगर मैं 4/6 बनाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर में 2 और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 4/6। ऊपर में अगर 3 से और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 6/9 विच इज अगेन इक्वल टू 2/3। ओके, रेशियो को अगर मैं क्रूडली अगर मैं समझूँ एकदम बेसिक लेमैन टर्म्स में, तो हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, राइट, सिवाय 1 के कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तभी हम रेशियो को मानेंगे। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म इन विच द रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो फॉर्म है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियोज। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, दैट इज द टॉपिक ऑन कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। सो वॉट डू मीन बाई कंपेरिजन ऑफ रेशियोज, हाउ डू वी डिफाइन द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, क्योंकि अगर हमें कंपैरिजन का पता लग गया तो हम काफी सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं। तो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ नंबर्स, कुछ रेशियोज और उसकी परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूं तो हम और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे। ओके, सो इफ आई से एक नंबर है 1/2, उसकी वैल्यू कितनी है 50%। अगर मैं परसेंटेज अप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रेशियो है और ये मान लो परसेंटेज है। सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो और कुछ मत करो। 2/3 की वैल्यू कितनी है, इट इज 66.6%। 3/4 की वैल्यू कितनी है, 75%। 4/5 की वैल्यू कितनी है, 80%। राइट, तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें इन चार रेशियोज का तो आपको दिखेगा कि 1/2 की वैल्यू जो है वो 2/3 से छोटी है, वो 3/4 से छोटी है एंड वो 4/5 से छोटी है। तो आई कैन से नाउ दैट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे दिख के जो लग रहा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा दिख रहा है और दोनों में डिफरेंस देखो आप सेम है, तो अगर मैं सेम नंबर ऐड करूंगा ऊपर नीचे, जैसे 1/2 को 2/3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 1/1 ऐड करते हैं तो 2/3 बनता है,
तो अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँ रेशियोज में ऊपर नीचे, तो जो नई रेशियो होगी वो पुरानी वाली रेशियो से बड़ी होगी, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक रेशियो है और दूसरा रेशियो न्यूमरेटर प्लस एक सर्टन नंबर और डिनोमिनेटर प्लस सर्टन नंबर है, तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे मैंने ये रिजल्ट लिखा है। ओके, कन्वर्सली अगर उल्टे में सोचूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 2/1 की वैल्यू है 3/2, 4/3, 5/4, इन सब को अगर मैं देखूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस इन सब की वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं ज्यों ही मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट। तो बेसिक फंडा यहाँ पे ही है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में, कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और सेम नंबर हम ऐड करेंगे तो अगली वाली जो वैल्यू होगी वो पिछले वाले वैल्यू से बड़ी होगी, राइट। ऑफ कोर्स कुछ बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे 1/2 और 1/3 को कंपेयर करना है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1/2 1/3 से बड़ा है। अगर सेम नंबर है और डिनोमिनेटर क्रमशः बढ़ती जाती है तो रेशियो की वैल्यू कमती जाएगी, और अगर अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बढ़ती जाएगी तो रेशियो क्रमशः बढ़ती जाएगी, क्लियर और नॉट। तो ये सब बातें तो आपको देखने से ही लगती, इसमें कोई याद करने वाली बात कुछ नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और दोनों में डिफरेंस अगर सेम है तो अगर सेम नंबर में ऐड करूंगा तो अगले वाले की वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से ज़्यादा होगी। ओके, तो इस चीज को मैं कैसे समझूं, कुछ एक एग्जांपल से। सवाल ये है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5, यानी कि ए और बी की एजेस की रेशियो है 4:5। ओके, सो आफ्टर 5 years रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी क्या हो सकता है, कुड बी, शुड भी नहीं होगा, कुड बी, राइट, कुड बी इनमें से कौन सा ऑप्शन। तो मैंने आपसे कहा अगर मान लो किसी एक की एज अगर मान लो से 4 साल है और 5 साल है, तो अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँगा तो ये इसकी वैल्यू 9 साल और 10 साल ही होगी, यानी कि अगर सेम ईयर्स के बाद ए हमेशा बी से तो छोटा ही रहेगा, अगर सेम ईयर्स रहे तो ए बी से कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, राइट। अब इन चार में से कोई एक देखना है, तो मैंने आपसे कहा है कि 4/5 की वैल्यू जो होगी वो श्योरली 4+x/5+x से छोटी होगी, राइट। अगर x कोई भी नंबर में है यहाँ पे, तो अगर सेम नंबर में ऐड करूँगा ऊपर नीचे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू से तो बड़ी होगी। अब सेम नंबर यहाँ पे 5-5 साल है, तो यानी कि ऑप्शन वो होगा जिसकी वैल्यू 4/5 से बड़ी होगी। अब मैं अगर ऑप्शंस को एनालाइज करूँ तो पहले ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिया यहाँ ऑब्जर्वेशन से, और 3/4 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, 3/4 की वैल्यू इज 75, 2/3 की 66.6, 3/8 कितना होगा, 3/4 का हाफ होगा, तो 3/4 का हाफ कितना होता है, इट इज 75 का हाफ यानी कि 37.5, एंड 5/6 की वैल्यू जो होती है वो 1/6 × 5 इज अराउंड 83.3, और 4/5 की वैल्यू आपको पता ही है वो कितनी है, 80। तो मैं कह सकता हूँ ये तीन ऑप्शन जो होंगे वो तो कभी नहीं पॉसिबल है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो पहले से हमने हटा रखा था, यही एक ऑप्शन बचता है। और ये भी देख लो यहाँ पे कि 5/6 जो है वो 4/5 से बड़ी है, राइट, तो यानी कि ये ऑप्शन होगा। तो इस सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना कंपैरिजन वाला फंडा अगर किया तो हमारा बड़ी आसानी से हो गया, क्लियर और नॉट। सो इस पे इस तरीके से हम सोचेंगे तो क्वेश्चंस हमारे बड़े आसानी से हो जाएंगे। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ आँख कान खुला रखना है, हमें एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है, दूसरी ये ऑब्जर्व करनी है। पहले ऑब्जर्वेशन से मैंने डिड्यूस किया कि ये पाँचवा में से ए की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी, और इससे ये निकला कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और उसके बाद मैंने और कंपैरिजन वाला फंडा यहाँ पे लगाया।
क्लियर और नॉट? तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। हम कुछ और नए तरह के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कंपाउंड रेशियो निकालने वाली फंडा रहती है, निकालना है कंपाउंड रेशियो। यानी कि अगर मान लो ए इज टू बी दिया हुआ है, बी इज टू सी दिया हुआ है, सी इज टू डी दिया हुआ है, सिक्स इज टू सेवन, तो ए बी सी डी की रेशियो क्या होगी? अब मैं एक सिंपल सा सवाल लेता हूँ, ए बाई बी की वैल्यू अगर 1/2 है और बी बाई सी की वैल्यू अगर 2/3 है, तो ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या होगी? इट इज 1:2:3 होगी। कैसे? यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे बी कॉमन, यहाँ पे बी कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, तो इनके बदले मैं एक बार लिख दूंगा बी और उसके हिसाब से ए और सी जो बनता है वही लिख दूंगा, राइट? तो अगर अनकॉमन रहती भी है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि कोई एक अगर अल्फाबेट कॉमन तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर भी कॉमन हो। ओके, सो इफ आई से, अगर मैं उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करूँ, पहले लंबे तरीके से करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। ए बाई बी इज 2/3, बी बाई सी इज 4/5 एंड सी बाई डी इज 6/7। सो इफ यू सी ए बाई बी इज 2/3, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी 4 है, 3 और 4 का कॉमन जो मल्टीपल है वो कौन सा है? 12। तो अगर मैं दोनों को 12 बना दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज़ 8/12, और इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दिस इज 12/15। अब ये 15 है और 6 है, इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट कम्स आउट टू बी 2.5, सो इट इज़ 15/17.5। So A is to B is to C is to D is equal to 8:12:15:17.5। ओके, तो अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ तो होता है 16:24:30:35। तो ये हमने मैंने कैसे किया, मैंने B को कॉमन बनाया और नंबर को भी कॉमन किया, फिर B और C, C और D में C को कॉमन किया और नंबर को भी कॉमन किया, और उसके बाद मैं लिखता गया। Now, इसी चीज़ को हम शॉर्ट बनाने के लिए हम एक छोटा सा तरीका अपना सकते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए और बी की रेशियो कितनी है? 2:3, तो पहले रो में 2:3 लिखें, दूसरे रो में बी इज टू सी कितनी है? 4:5, यानी कि ये 4 है और ये 5, एंड तीसरे रो में सी और डी कितनी है? 6:7, यानी कि ये है 6 और ये है 7। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो भी नंबर्स यहाँ पे डालेंगे हम, उन नंबर्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, एंड हेंस जो भी नंबर्स आएंगे वही रेशियो होगी। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इस ब्लैंक पे, इस नंबर के बगल में कौन सा नंबर है वो है 3, इस ब्लैंक के नंबर कौन सा नंबर है 3, इस ब्लैंक के बगल में कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 हम डाल देंगे, इस ब्लैंक के नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दिया, इस ब्लैंक के बगल में 6 डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिया, सो इट कम्स आउट टू बी 2 4 8 6, अब मल्टीप्लाई करो 48 72 90 एंड 10, राइट? अब हमें जैसे मैंने आपसे कहा लोएस्ट पॉसिबल टाइप में बनाना है हमें, तो हम इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, इस चारों कॉलम में एक ऐसा नंबर है 6333, यानी कि ये कैंसल आउट हो सकता है और ये छोटा और छोटा बन सकता है। तो 6333 का HCF क्या होता है? 3 होता है। तो आप ऐसा करो कि इस पूरे कॉलम में कोई किसी भी एक नंबर को 3 से डिवाइड दे दो, तो प्रेफरेबली उस नंबर को 3 से डिवाइड दो जो 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड दे दो, ये कितना बन गया 2, इनमें से किसी एक को 3 से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड दे दो आप तो ये बन गया 1, इनमें से किसी एक को डिवाइड ये बन गया 1, इनमें से इसको 3 से डिवाइड ये बन गया 1। अब मल्टीप्लाई करो, सो 2 4 8 2 16 4 6 24 5 6 30 7 5 35, सो 16 24 30 एंड 35। तो ये हमारा रेशियो हो गया और ये हमारा शॉर्टकट हो गया।
ओके पॉज कर ले एक बार और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार आप देख लें उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे ए इज टू बी कितना है, 1/2 is to 1/3, बी इज टू सी इज 2/3 is to 3/2, डी इज टू सी इज 7 is to 5। अब देखो यहाँ पे लीनियरली रिलेशन नहीं फॉर्म हो रही, तो हम इसे लीनियरली बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी और सी है, तो इसको हम सी और डी बना देंगे और इसको लिख देंगे 5 is to 7। ओके नाउ ये देखो फ्रैक्शन है, तो इसको हम होल नंबर बना लेते हैं, तो फ्रैक्शन से होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 into 6 is to 1/3 into 6, कितना बन गया, ये हो गया आपका 3 is to 2। इसको 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें एंड ये कितना हो गया, ये हो गया 4 एंड दिस इज 9 एंड डी इज 3 is to 5 is to 7, तो इसे हम लिख देंगे 5 is to 7। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बी सी एंड डी शॉर्टकट से 3 is to 2 4 is to 9 5 is to 7। 2 के बगल में ये सारे 2 से भर दो, 9 को 9 से भर दो, 4 को 4 से भर दो, 5 को 4 से भरो, इसको 4 से भरो, राइट। अब देखो आप यहाँ पे 4 2 2 2, तो इसका मतलब एक 2 से कैंसिल हो सकता है, तो इसको 2 बना दो, इसको 1 बना दो, इसको 1 एंड इसको 1, तो 3 4 12 2 24 16 45 and 63। सो दिस इज द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। एक बार आप चेक कर ले यहाँ पे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, 3 is to 2 4 is to 9 एंड सी इज टू डी इज 5 is to 7, सो 5 is to 7, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। जब हमने कर दिया यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड कर दिया एंड हेंस द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज दिस इज द रेशियो। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रेशियोज ओनली। ए इज टू बी इज टू सी इज 4 is to 5 is to 6 एंड बी इज टू डी इज टू ई इज 7 is to 10 is to 12। तो बी इज टू डी इज टू इज ई इज 7 is to 10 is to 12, तो हम यहाँ पे इसे सी डी ई लिख देते हैं, तो बी डी ई यानी कि यहाँ पे 7 दे दो, यहाँ पे 10 दे दो, यहाँ पे 12 दे दो। अब आपको निकालना है ए बी सी डी ई की रेशियो क्या होगी। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन में हम क्या करें, हमें कुछ टर्म्स मिसिंग है यहाँ पर, लेकिन एक अल्फाबेट है जिसमें दोनों नंबर्स हैं, वो है 5 and 7, बी में ही प्रेजेंट है। तो करो क्या आप यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे आप 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट कम्स आउट टू बी 28, दिस इज 35, दिस इज 42, दिस इज 50 एंड दिस इज 60। तो ये हमारा रेशियो हो गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे वेरीफाई भी कर सकता हूँ, कैसे वेरीफाई करूँ, ए इज टू बी इज टू सी कितनी है, 4 is to 5 is to 6 एंड बी इज टू डी इज टू ई इज 7 is to 10 is to 12, क्लियर। अब 5 और 7 को कॉमन करने के लिए हमें ऊपर नीचे 5 को हमें 35 बनाना पड़ा, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है, तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे और देखते हैं क्या होता है। सो इट कम्स आउट 28 35 42 एंड हियर इट इज 35 50 एंड 60। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी एंड दिस इज ई, सो इट विल बी 28 इज टू, बी में कॉमन 35, सी में 42, डी में 50 एंड ई में 60। सो जो हमने किया है शॉर्टकट वो सही है,
तो शॉर्टकट क्या है कि जहाँ पे ब्लैंक रहे वहीं पे आप उस नंबर से भर दो और मल्टीप्लाई करते चलो, द आंसर विल बी गॉट। ओके, तो ये हमारा था ऑन रेशियोज। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सही लगा। द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ए इज टू बी प्लस सी इज 1:3 एंड बी इज टू सी प्लस ए कितना है 7:9 और आपको निकालना है सी इज टू ए प्लस बी। क्लियर? तो इस तरह के सवाल को हम करें कैसे, ध्यान से देखो। इस तीनों पार्ट में ए प्लस बी प्लस सी की कुल हिस्सेदारी कितनी है, 1 और 3 4 हिस्से हैं। और यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए की कुल हिस्सेदारी कितनी है, हम कह सकते हैं इट इज 16 पार्ट्स। यहाँ पे 16 पार्ट और यहाँ पे 4 पार्ट। तो हम सेम नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करें कि हम इसको हम 16 बना देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज 4 पार्ट्स, सो वी मेक इट 16 पार्ट्स। ओके, सो वी मेक इट 16 पार्ट्स। इफ यू मेक इट 16 पार्ट्स, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो सारे ही 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर मैं ए को अगर मैं 4 बनाऊँ और बी प्लस सी को 12 बनाऊँ तो होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 16 होगा। तो अब रिवाइज रेशियो क्या होगा, ए इज टू बी प्लस सी इज 4:12 एंड बी इज टू सी प्लस ए इज 7:9। अब देखो ये 16 है और ये 16 है, यानी कि सेम नंबर से मेरा सवाल बन गया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सिमेट्री के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7 और हमें ए प्लस बी प्लस सी कितनी है 16। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 16 - 4+7 यानी कि 5, विच मीन्स सी इज टू ए प्लस बी कितना होगा, सी इज टू ए प्लस बी इज 5:4+7 यानी कि 5:11। सो इट इज सी इज टू ए प्लस बी इज 5:11, सो 5:11 इज द आंसर। ध्यान से देखिए कि अब जब मेरा 16 हिस्से आ गए हैं सब पार्ट्स के, तो यानी कि आंसर भी वो होगा जिसमें सी और ए प्लस बी का सम ऑफ द पार्ट्स होगा वो 16 होगा, या तो 16 होगा या 16 का फैक्टर या मल्टीपल होगा। तो अब देखो आप 3+7 10 नहीं हो, ये 16 नहीं है और ये 16 का कोई भी फैक्टर नहीं है डायरेक्ट, 10+7 17 ये भी पॉसिबल नहीं है एंड 4+3 13 17 ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो आप कोई एक ऑप्शन चेक कर लें, जब आपको पता लग गया है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो सी इज टू ए प्लस बी अगर 3:13 है, यानी कि सी की वैल्यू है तो होगी 3 और ए प्लस बी की वैल्यू होगी 13। ओके, तो उस लॉजिक से अगर मैं देखूं बी, अगर मैं किसी एक ऑप्शन में बैठाता हूँ, सो बी इज टू सी प्लस ए, सो बी इज टू सी प्लस ए अगर बी की वैल्यू है 7:9 सो सी प्लस ए भी 9 होगी। ओके, तो बी की वैल्यू अगर 7 है तो अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे 7 डालता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6, राइट? अगर बी की वैल्यू 7 डालता हूँ तो ए की वैल्यू 6 होगी और ए की वैल्यू 6 होगी तो सी की वैल्यू 3 यहाँ पे मैं पहले से निकाल के रखा है। तो उस लॉजिक से ए इज टू बी प्लस सी कितना होता है वो आप एक बार चेक कर लो। ए कितना है 6:2 b + c, 7+3 = 10 यानी कि 3:5 है। तो मतलब ए इज टू बी प्लस सी हमने माना है 1:3 लेकिन निकला कितना 3:5 यानी कि जो हमने चुना है 3:13 वो गलत चुना है, राइट? तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी चाहे तो कर सकते हैं सवाल को। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चंस बाय ऑप्शंस आल्सो। ओके, बेसिक फंडा ये है कि हम यहाँ पे 16 बना देंगे, देन हमारा सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है x:y = y:z देन x^4 = y^4 = how much, राइट? तो अब ध्यान से सवाल को देखिए और उसके बाद कीजिए इस सवाल को। तो x:y = y:z
तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कितने भी पावर्स रेज करूं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा. ओके, सो एक्स फोर इज टू वाई फोर इज इक्वल टू वाई फोर इज टू जेड फोर, यानी कि एक्स फोर इज टू वाई फोर, वाई फोर इज टू जेड फोर तो होना ही होना है. नाउ ये भी एक ऑप्शन है, बोथ बी एंड डी, तो बी भी चेक करना है. तो हम कैसे करें, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. तो एक्स फोर बाई वाई फोर क्या होगा, एक्स फोर बाई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो इट इज एक्स फोर बाई वाई स्क्वायर के बदले एक्स जेड का होल स्क्वायर होगा. सो इट कम्स आउट टू बी एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर. So this also is equal to x square by z square. Okay, तो x square by z square ये भी हो गया. और अगर मैं चाहूँ तो इससे इस ऑप्शन को भी मैं डिराइव कर सकता हूँ. कैसे करूँ, x square by z square को मैं लिख सकता हूँ x square by y square into y square by z square. Okay, so x square by y square के बदले मैं y square by z square लिख ही सकता हूँ यहाँ पे. You can do this y square by z square into y square by z square, that is y4 by z4, yani ki y4 by z4 hoga hi hoga. Ye bhi option hai aur ye bhi option hai, which means the correct option is the option. Clear or not? So this way hum ratios ko attack karenge. Yahan pe maine kuch hi sawal liye hain, lekin humne jo sawal liye hain wo compound ratios and kuch specific technique maine apnaya. Aapko samajh mein aaya hoga ki maine kya technique apnaya solve karne ke liye. हम इसके और अच्छे सवाल और वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं प्रोपोर्शन वाली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा. सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे विल डू मोर सच गुड क्वेश्चंस. थैंक यू सो वेरी मच.